अस्सलाम वालेकुम। और फिर वक्त साबित कर देता है अल्लाह के फैसले गलत नहीं होते। अल्लाह ने जहाँ फुल स्टॉप लगा रखा है वहाँ सवाल का निशान लगाने की कोशिश मत करें। यही अमान और तौहीद का तकाजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी काम का बदला देना सिला रहमी नहीं है, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि जब उसके साथ सिला रहमी का मामला ना किया जा रहा हो तब भी लोगों की साजिशें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि कुरान पाक के वाज़ह अल्फाज में, और तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। वहाँ बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहाँ अल्लाह के सिवा कोई सुनने वाला ना हो। अगर अल्लाह आपसे इंतज़ार करवा रहा है तो इससे ज़्यादा हासिल करने के लिए तैयार रहे जो आपने मांगा था। कितना खूबसूरत एहसास है कि दुनिया छोड़ गई है मगर अल्लाह फिर भी साथ है। इस जगह मत जाए जहाँ लोग आपको बर्दाश्त करते हो, बल्कि वहाँ जाए जहाँ लोग आपका इंतज़ार करते हो, बेहतरीन फ़ैसला चाहते हो। सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। जिन चीज़ों को तुम समझ नहीं सकते उनका फ़ैसला अल्लाह ताला के सपुर्द कर दो। इन लोगों से मत डरे जो बदला लेना जानते हो, बल्कि हमेशा इन अल्लाह पे छोड़ देते हैं। किस्मत का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह कभी हमें दुआ मांगने का हक ना देता। और फिर वक्त साबित कर देता है अल्लाह के फैसले गलत नहीं होते। अल्लाह मुखलिस दिलों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। अनजान रास्ते ही मौतों का सबब बनते हैं, और दुआएं तो तकदीर भी बदल देती है। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती जो आपको अल्लाह तक ले जाती है। वो ठोकर सजा नहीं होती, वो बदले का तकदीर बेरी भी, वो बेरा भी तो खुदा है। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब कहाँ कैसे बेरा रब जानता है।